हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपिका सोशल साइंस क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर विल डिस्कस अबाउट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट, और हमने देखा था लिंक किस किस के बीच में, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बीच में, उनकी कनेक्टिविटी देखी थी कि दीज ऑल आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे जो हमारी मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं इसके बारे में, और आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन, फिर उनका लिंक। मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब ऐसे मींस विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन, विच हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दोज मींस आर कॉल्ड मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट कितने टाइप्स के होते हैं? मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है थ्री टाइप्स के मेनली, लैंड, वाटर, एयर। और लैंड में कितने टाइप्स के होते हैं? इसके सब पार्ट्स हैं, रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस। वाटरवेज में है इनलैंड, ओवरसीज, और इसमें है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल और पब्लिक अंडरटेकिंग। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट से, और उसका जो फर्स्ट सब पार्ट है दैट इज रोडवेज। रोडवेज मतलब जहां पर मूवमेंट किसकी कहाँ से होती है, रोड्स के थ्रू होती है, जहाँ पर हम अपने गुड्स सर्विसेज एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करते हैं। किसकी हेल्प से? रोड्स की हेल्प से करते हैं। और जो हमारे इंडिया है, इंडिया हैज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। हमारे जो इंडिया का नेटवर्क है रोडवेज के मामले में सबसे बड़ा है, वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। कितना मिलियन है? That is about aggregating to about 2.3 million kilometer, means 2.3 million kilometer तक की रोडवेज बनी हुई है यहाँ पर। मतलब जो रोडवेज डिस्टेंस कवर करती है वो कितना है? 2.3 million kilometer। अब देखते हैं रोडवेज के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या रीजंस हैं। जैसे इसमें बोला है रोडवेज हैव प्रिसीडेड रेलवेज, मीन्स रोडवेज कहीं ना कहीं रेलवे से बेटर किस लिए हैं, उसके कुछ रीजंस हैं। तो हम डिस्कस करेंगे क्या रीजन है जो रेलवे रोडवेज को बेटर बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इस लेक्चर में जो हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये हमारा क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, जिसमें ऐसे भी आ सकता है कि रोडवेज के बारे में बताइए, रोडवेज के एडवांटेजेस क्या हैं, या फिर व्हाई आर द रोडवेज बेटर देन रेलवेज। तो कुछ रीजंस हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, मैं काफी सारे पॉइंट्स आपको बता रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये आपका 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो बोर्ड के एग्जाम्स के अकॉर्डिंग कवर हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज मच लोअर, मीन्स रोड्स को बनाने की जो कॉस्ट होती है उसको वो काफी कम पड़ती है। अगर हम देखें एयरवेज या वाटरवेज में जो भी चीजें यूज की जाती है, जो भी मीन्स यूज किए जाते हैं, उनको बनाने की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। जैसे रेलवेज की ले लें, उसके लिए हम पास वही बनाएंगे तो उसको बनाने में कॉस्ट जो आती है वो बहुत ज़्यादा आती है। और रेलवेज हम इजीली बना सकते हैं, जहाँ पर हमारे पास इतना पैसा ना हो वहाँ पर रोडवेज बनाना इजी हो जाता है। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज मच लोअर। रोड्स कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड, जो रोड्स हैं वो कहीं भी बनाई जा सकती हैं किसी भी एरिया में। जैसे आपने देखा होगा चार तरफा रोड्स निकल जाती हैं, किसी भी तरफ हम मूव हो सकते हैं आसानी से, कहीं भी मोड़ा जा सकता है रोड्स को, मतलब किसी भी तरीके से उन्हें बनाया जा सकता है। रोड्स कैन बी बिल्ट इन अनइवन सरफेसेस लाइक हिल्स एंड माउंटेन्स। अगर हम हिल्स और माउंटेन्स में रेलवेज बनाने की बात सोचें तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क एंड दैट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल, मीन्स उसको बनाने के लिए पैसा भी बहुत ज़्यादा चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग भी है, और वहाँ पर रेलवेज बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट रोड्स हम माउंटेनियस एरिया हो चाहे हिली एरियाज हो, वहां पर इजिली रोड्स को बनाया जा सकता है, और जहां पर उसकी कॉस्ट भी इतनी नहीं आती है जितनी रेलवेज में आती है। इट्स मेंटेनेंस कॉस्ट इज ऑल्सो लो, मीन्स कहीं से टूट फूट हो गई है तो इसको आसानी से हम ठीक करा सकते हैं और उसकी कॉस्ट भी इतनी ज्यादा नहीं आती। नेक्स्ट पॉइंट इज इट ऑल्सो प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विसेज, द कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज मच लोअर, मीन्स रोडवेज की हेल्प से जैसे हम व्हीकल्स यूज करते हैं, एक्टिवा हो गई, बाइक यूज करते हैं, साइकिल्स यूज करते हैं,
उससे हम डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। मींस हमने जो अपना सामान प्रोवाइड कराना है वो सीधा डोर स्टेप पर पहुंचाया जा सकता है, और इसके लोडिंग और अनलोडिंग करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती है। नेक्स्ट पॉइंट इज रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पीपल ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। अगर हमने शॉर्ट डिस्टेंस तक जाना है, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो वहाँ पर रोडवेज बेटर है, क्योंकि अगर हम रेलवेज या कोई और वेज लेते हैं तो पहले उस डेस्टिनेशन तक पहुँचना पड़ेगा, उस डेस्टिनेशन तक पहुँचने में टाइम लगेगा आगे, क्योंकि रोडवेज आपको प्रॉपर उसी डेस्टिनेशन पर पहुँचा देती है जहाँ पर आपने पहुँचना होता है, बट रेलवेज ऐसा नहीं करती हैं। रेलवेज के लिए आपको पहले स्टेशन पर जाना पड़ता है और स्टेशन पर ही उतरना पड़ता है। तो डोर टू डोर तो वैसे ही मैंने बताया आपको सर्विसेज सिर्फ रोडवेज प्रोवाइड कराती है, और ये इकोनॉमिकल है कि अगर हमें शॉर्ट डिस्टेंसेस पर जाना है तो रोडवेज पर हमारा इतना खर्चा नहीं आता है। रोड ट्रांसपोर्ट लिंक अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स एंड सी पोर्ट्स। अभी इसी पॉइंट में मैंने आपको डिस्कस किया है कि अगर हमने मान लो रेलवे स्टेशन पर पहुंचना है या एयरपोर्ट्स पर पहुंचना है या सी पोर्ट पर जाना है, तो उसके लिए भी कौन उन सबको भी कौन कनेक्ट करता है? रोड ट्रांसपोर्ट करता है। तो रोड ट्रांसपोर्ट लिंक्स द अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स एंड सी पोर्ट्स, एंड रोड ट्रांसपोर्ट इज अवेलेबल फॉर 24 आवर्स। मीन्स 24 घंटे ये अवेलेबल है, हम कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं रोड ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके। इसकी प्रॉपर कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती है, जैसे रेलवेज में होता है ट्रेन इसी टाइम पर आएगी और इसी टाइम पर ही यहाँ से जाएगी, और जैसे रेलवेज में भी हम देखते हैं इस टाइम पर ये वाला प्लेन जाएगा, ऐसा रोडवेज में कोई भी सिस्टम नहीं है। ये 24 आवर्स तक अवेलेबल है, किसी भी टाइम आ सकते हैं और किसी भी टाइम जा सकते हैं। सो स्टूडेंट, दीज आर द रीजंस विच मेक्स रोडवेज मोर बेटर देन रेलवेज। तो आपका ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप इनमें से कोई भी, मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको कराए हैं, आप इनमें से कोई भी 5 और 6 पॉइंट्स को लिख सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ रोडवेज। थैंक यू।